वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। तो आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे आज के अपनी क्लास को, तो फटाफट से आप सभी लोग शेयर सब्सक्राइब और फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए भाई, जल्दी से भाई। मैंने देखे कमेंट्स, काफी लोग बड़े परेशान से लग रहे हैं भाई। अपनी परेशानी बताएं भाई, सब चीजों का हल होगा। क्या दिक्कत आ रही है सभी को, फटाफट से भाई सभी लोग पहले तो शेयर कर दीजिए। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया तुरंत शेयर सब्सक्राइब और फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए। फिर शुरुआत करेंगे आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की, अगला पार्ट है डिस्काउंट भाई। मैं बहुत परेशान हूँ, दुर्गेश शर्मा जी बोल रहे हैं भाई। क्या बात है, किसने किसको क्या बोल दिया भाई। नमस्ते भाई सभी को। अभी काम वंदना मिश्रा जी, अब करेंगे खाएंगे वो भी बिल्कुल फटाफट से। मैम प्लीज किसी भी चैप्टर को पूरा कंप्लीट करवाओ। ओके, अब बताइए कौन सा टॉपिक ऐसा है जो मैंने पूरा कंप्लीट नहीं करवाया है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात आप लोग कर रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में कितनी चीजें होती हैं, सीपी होता है, एसपी होता है, एमआरपी होता है, और प्रॉफिट होता है इधर, या लॉस होता है इधर, और इधर डिस्काउंट होता है। ये बात समझिएगा आप लोग, ये केवल भ्रम है आपका कि नहीं हुआ। देखिएगा, हमने इस पोर्शन की बात करी कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। आधे पोर्शन की बात हमने कर ली। अब आज क्या करेंगे हम लोग, इस चीज की बात कि एमआरपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। ये लोग बताते हैं कि टॉपिक अलग अलग है, बेटा ये टॉपिक कंबाइंड टॉपिक है। आधा पोर्शन शुरुआत का आधा क्या है जो मैंने कल पढ़ाया था, और पीछे का आधा क्या है जो आज हम लोग पढ़ेंगे। आई बात समझ में, और उसके बाद कल हम लोग मिक्स क्वेश्चन कर लेंगे। तो मुझे ही लगता है कि इसके बाद कोई भी चीज करना बचेगी। अब बताइए मैम, लॉस एंड प्रॉफिट एक ही क्लास में खत्म कर दिया। बेटा डिस्काउंट केवल नाम अलग है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक पार्ट। ये बात आपको पता नहीं कब समझ में आएगी। आप लोग वही चीज है, आप लोग पता है उनमें से हो जो ये सोचते हैं एनटीपीसी का सिलेबस अलग है और ग्रुप डी का अलग है, और आपका किसका सीजीएल का अलग है, या सीएचएसएल का, सीएचएसएल मान लेते मेंस का, सीएचएसएल का अलग है और यूपीपीपी का अलग है। आप लोग उन्हीं में से हैं जो सोचते हैं इन सब का सिलेबस अलग है। पर ये सबसे बड़ी गलतफहमी है आप लोगों की कि ठीक है, ये सबसे बड़ी गलतफहमी आपकी कि एनटीपीसी ग्रुप डी सीएचएसएल यूपी प्लस का पेपर अलग अलग आता है। पेपर जरूर अलग होता है, कंसेप्ट वही होता है, लाभ हानि वही रहती है, क्वेश्चन वही रहते हैं, केवल लेवल अलग अलग होता है। ये बात ध्यान दीजिएगा बेटा, मैं आपको हर एक चीज कराऊंगी, लेकिन थोड़ा सब्र रखिए। एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका है, पहले ही बता दीजिए, क्या एनटीपीसी का एग्जाम हो चुका, क्या ग्रुप डी का एग्जाम हो चुका है। जब अभी एग्जाम नहीं हुआ है, डेट नहीं आई है, तो आप कैसे बोलते थे सिलेबस नहीं करवाया मैंने। मैंने आपको एग्जाम से पहले पहले सिलेबस भी करवाऊंगी, रिवाइज भी करवाऊंगी। और बताइए बताइए भाई, मैं आपको सिलेबस भी करवाऊंगी और आपका रिवाइज भी करवाऊंगी, दोनों काम करवाऊंगी। मैंने आपसे बोला हुआ है मैथ्स में मैं आपको 30 में से 20 से ऊपर मार्क्स दिलवाऊंगी, ये मैं दिलवा के रहूंगी। 20 से ऊपर मतलब 21-22 तक, 20 के अराउंड मार्क्स मेरी वजह से आ जाएंगे आपके, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। ट्रेन के क्वेश्चन में टॉपिक करवाऊंगी तब होगा ना, टॉपिक करवाया कहां है अभी। क्लियर हो गया सभी को, तो अगर ये गलतफहमी दूर हो गई हो आपकी, तो पढ़ाई पे शुरुआत करते हैं। तो अब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, ठीक है, शुरुआत करते हैं अपने पढ़ाई की। तो आज वापिस से हम वही करने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का ही अगला पार्ट है डिस्काउंट, ठीक है। तो उससे पहले कुछ सवाल करते हैं हम लोग, बताएगा इनका जवाब क्या हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का ही सवाल है ये, ठीक है। अच्छा, जिसका एग्जाम नहीं निकला सोच लेना अर्थ में कीड़े मकोड़े हो सब अच्छा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की, शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। तो पहला सवाल आपके सामने है, जरा बताएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो, जब मैं पढ़ाती हूँ तब आप पढ़ते नहीं है, फिर कहते हैं कि मैम हुआ नहीं। बताओ भाई, ना तो पढ़ते हो आप लोग प्रॉपरली, ना तो क्वेश्चन सॉल्व करते हो, ना ही पढ़ते हो, रेगुलरली आते नहीं हो, और बोलते हैं कि मैम आप पढ़ाती नहीं है पूरा। बताओ कैसे वो काम चलेगा।
सवाल आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, तो बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशन आशुतोष सिंह जी, आपका रिजल्ट आ गया और आप पास हो गए, बहुत बहुत बधाई हो। हमें मिठाई खिलाने कब आ रहे हैं आप लोग? हाँ, जो लोग पास होते जा रहे हैं भाई, हमें भी तो मिठाई चाहिए। हम तो सुसाइड कर लेंगे, कर लूंगा बेटा। सुसाइड क्यों, जिंदगी इतनी मुश्किल से मिली है, उसे भी खत्म करेंगे क्या? सवाल देखिए, एक यूज्ड कार डीलर है, किसी कार को 7.6 लाख रुपीस में बेचता है और उसे कुछ नुकसान होता है। यदि वह इसे 9.2 लाख में बेचता तो उसे लाभ होता, उसकी हानि का 3 गुना होता। उसका जो लाभ होता, हानि का 3 गुना होता। कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बताएं भाई इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से, फटाफट से बताइए। पहला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, इस सवाल का जवाब बताइए जल्दी से, फटाफट से बताइए। सेकंड, पहला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, शेयर सब्सक्राइब लाइक करते रहिए और बताइए। अब देखना, अरे बात को ढंग से सुनना। एक कार है, उसको बेचना जाता है, एक बार बेचता 7.6 में, ये बेचता 9.2 में। ये रुपीस है, ये भी रुपीस है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये भी रुपीस है, ये भी रुपीस है, ठीक है। यहां इसको हानि हो रही है, यहां उसको लाभ हो रहा है। जब सेम चीज है, एक बार उसे हानि हो रही है, एक बार उसे लाभ हो रहा है, तो कैसे करेंगे? इन सवालों को ध्यान दीजिएगा, इस टाइप से ऐसे बनाया डायग्राम हमने। ये क्या है, लॉस वाला। 7.6 रुपीस पे बेची तो लॉस हुआ, मान लीजिए एक्स रुपीस का उसे लॉस हुआ, ठीक है। अब उसने 9.2 में बेची, कितना प्रॉफिट हुआ? लॉस का 3 गुना, 3x उसे प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है सीपी। सीपी कहां होगा? ये जो वैल्यू होगी, ये सीपी होगी। कैसे निकालेंगे? 9.2 माइनस का 7.6, 6 6 12 एक, 1.6 डिवाइड बाय 2 और 1 4 डिवाइड 4, तो 4 8 16 क्या, 0.8। ये क्या हो गया आपका, x की वैल्यू आ गई 0.8। तो क्या करेंगे हम, अगर 7.6 में x को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, वो क्या हो जाएगा आपका SP, तो प्लस का 0.8। 6 6 12 13 14 8.4 रुपीस की, 8.4 की आपकी क्या है, कार की कीमत है। 4 16 होता है बेटा, 4 आएगा, 0.4। अब सही है, 8 लाख उस कार की कीमत है, इतने रुपीस। क्लियर हो गया, 8 लाख आपके कार की कीमत है, 8.75 आ रहा है। केसर सिंह जी ने बोल रहे हैं 28 मार्च से पेपर है। अच्छा भाई, आपको कान में बोल के गए थे क्या NTPC वाले कि बेटा 28 मार्च से पेपर है, किसी को बताना मत, ऐसा बोला है क्या? अभी तक कोई न्यूज नहीं आई, स्टेटस अभी आए नहीं है, मार्च से पेपर कैसे हो जाएगा बेटा? होगा, देख लेंगे। 28 मार्च को भी, आज कितनी तारीख है, 21 तारीख है, 21 फरवरी है, 28 मार्च को पेपर भी होगा ना, तो भी अभी 1 महीना है, तो भी अभी 1 महीना है, जम के पढ़ाई करेंगे हम लोग। 8 आया आपका आंसर, क्लियर हो गया सभी का, 8 आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखिए, बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाए फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, अगला सवाल आपके सामने है, जरा बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाए फटाफट से। ड्रीम आया था, अच्छा सपना आया था क्या, इतने अच्छे अच्छे सपने आते हैं आपको। अगला सवाल देखिए, बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। अगला सवाल देखिए, बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। शेयर करते जाइए आप सभी लोग, सब्सक्राइब करते जाइए और फटाफट से लाइक का बटन भी दबाते ही जाइए जल्दी से, ठीक है। बताइए अगला सवाल आपके सामने है, बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। एक अनु ने एक कुछ लाभ पर एक वस्तु को कुछ लाभ पर एक वस्तु को 480 में बेचा। अगर उसने उसे 400 रुपये में बेचा तो उसे शुरुआती लाभ से 1/3 के बराबर नुकसान होता। वस्तु की लागत मूल्य क्या थी? बताइए,
बजा दी किसकी? बताएं भाई अगला सवाल आपके सामने है। जो भी बच्चे नए आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप लोग अगर पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हो तो आपके लिए अच्छी चीज है। हम लोग बिल्कुल हर एक क्वेश्चन को छोटे छोटे रूप में देख रहे हैं, मतलब किसी भी क्वेश्चन करने का हम हाईफाई तरीका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो भी रूट तरीका होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। हाँ ये हो सकता है 36 मार्च को पेपर हो सकता है, ये बात सही है बिल्कुल, 36 मार्च को हो सकता है, पर 28 मार्च को मुश्किल है। सवाल देखिए बताइए इसका जवाब क्या होगा। सवाल देखिए, एक कार है उसको कितने बेचती है? 480 में बेचती है, तो उसे कुछ लाभ होता है, कुछ लाभ हुआ। अगर इसी कार को वो 400 में बेचती तो उसे लाभ हानि होती कितने की? इसकी एक तिहाई, इसकी एक तिहाई हानि होती। कैसे करेंगे? इनको माइनस कीजिए कितना आएगा? 80 रुपये आएगा, 80 रुपये आएगा। अब 80 को डिवाइड करें किससे? एक तिहाई प्लस एक, 1/3 प्लस का 1 कितना हो गया? 4/3 अपॉन का 4 इंटू का 3, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 कितना हो जाएगा? 6 कितना हो जाएगा? 60। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 60 आ गई। तो क्या करेंगे? या तो 480 में से एक्स माइनस कर दीजिए, 480 में से 60 माइनस कर दिए 420 आ गया, या फिर 480 में से एक्स बाय 3 प्लस कर दो, बात बराबर है, ठीक है? क्या बात बराबर है? या तो 480 में से x की वैल्यू माइनस कर दीजिए या 400 में से x बाय 3 की वैल्यू प्लस कर दीजिए, दोनों से आंसर क्या हो जाएगा? 420 आएगा। क्लियर होगा सभी को? अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। ये सवाल पता नहीं आपने किए हैं या नहीं किए, काफी अच्छे सवाल हैं वाले भी। अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, जरा बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल देखिए फटाफट से बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। सबसे पहले आया था मेरा अच्छा अभिषेक यादव जी, हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिएगा जल्दी से। मैम ये माइनस क्यों करते हो, कहां पे? बताएं भाई अगले सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है, एक व्यापारी को 45 मीटर कपड़ा बेचने पर 12 मीटर कपड़े से बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो दुकानदार उस व्यापारी का लाभ कितने प्रतिशत है? जरा बताइए सवाल का जवाब। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं काफी बच्चे, ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, विवेक कुमार जी का आंसर ऑप्शन नंबर ए आया। सोच के बताइएगा भाई इस सवाल का जवाब कैसे करेंगे, इस सवाल का जवाब थोड़ा सोच के बताइएगा कैसे करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको एक बात समझाई थी, शायद आपको याद होगी, पता नहीं होगी। हमें निकालना क्या है? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? ऊपर तो क्या लिखेंगे? प्रॉफिट लिखेंगे। प्रॉफिट कितना है आपको? 12 मीटर कपड़े का प्रॉफिट है। अपॉन में क्या आएगा? सीपी आएगा। अब सीपी कैसे निकालेंगे देखना। जो ये 45 जो है ये तो बेचा है, 45 तो क्या है? बेचा है, एसपी है, और प्रॉफिट कितना है? 12 रुपए है। तो सीपी कैसे निकाल देते? 45 माइनस का 12 क्या होता है आपका? सीपी हो जाएगा। तो कितना हो गया? 3 ये, और 3 में से 1 है 2, ये 23 ये, इनटू का 100। जरा बात समझ में आई या नहीं आई फटाफट से बताइए, यही बात की समझने वाली, क्वेश्चन समझ आ रहा है, बात समझ में आई कैसे हुआ? हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ठीक है? प्रॉफिट परसेंट के लिए ऊपर हमें प्रॉफिट चाहिए, नीचे हमें सीपी चाहिए। प्रॉफिट कितना है? 12 रुपए, 12 मीटर कपड़े का, वो हमें दे रखा है। अब हमें सीपी निकालना है। हमारे पास जो दे रखा है वो एसपी दे रखा है। क्या है? एसपी दे रखा है। एसपी 45 है, सी अगर प्रॉफिट 12 है, फॉर्मूला सीधा रखिए ना, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस का सीपी। प्रॉफिट 12 है, एसपी 45 है,
सीपी कैसे निकलेगा, इन दोनों को माइनस करके वो हमने निकाल लिया 23। अब केवल निकालना है, मल्टीप्लाई कीजिए 36.36। आंसर प्रॉफिट अपॉन का सीपी लिखा जाता है, तो मेन दिक्कत थी आपको सीपी निकालना। क्लियर हो गया सभी को? क्लियर हो गया, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताएगा अगला सवाल इसका जवाब क्या हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आपके सामने अवेलेबल है, जरा बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से भाई। जो लोग नए हैं आज पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा और फटाफट से शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा, ठीक है। और बताएं अगला सवाल आपके सामने है, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से। अगला सवाल आपके सामने ऐसा ही सवाल है जो लोग रिपीट करने को बोल रहे हैं, अंकित के सूर्यवंशी जी। अगला सवाल देख लीजिए, सेम वैसा ही सवाल है, सेम टू सेम वैसा ही सवाल है। अगला सवाल देखिए आप लोग, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। अब देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा सवाल को, वापस से हमें क्या निकालना है, हमें एसपी निकालना है। हमें सीपी दे रखा है, देखना बहुत ध्यान से देखेंगे वापस सवाल को। हमारे पास 72 आर्टिकल जो है वो है आपके पास एसपी है, ठीक है। इतने बेचे, मैं एक आदमी को लॉस हुआ 12 का, लॉस कितने का हुआ 12 का लॉस हुआ, ठीक है। हमें निकालना है अगर सीपी, अगर ये तो ये बात हो गई, अगर सीपी कितना दे रखा होता 980 दे रखा होता तो आपको एसपी निकालना है। कंडीशन दो हो गई हमारे पास, देखो अब सिंपल सा सीपी ये है, लॉस ये है, सीपी कैसे निकलेगा 72 प्लस का 12 कितना हो जाएगा 84। समझ में आया कैसे, लॉस इक्वल्स टू सीपी माइनस का एसपी होता है। लॉस कितना है 12, सीपी पत निकालना है 72 प्लस करेंगे 84 आ गया, ये हमारा सीपी है। पर हमें दे रखा है सीपी हमारा 84 नहीं है, कितना है 980 है। अगर सीपी 980 है, कितने गुणा पे है 980 अपॉन का 84, अगर सीपी हमारा इतने गुणा पे है तो एसपी में भी वही मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना 980 अपॉन का 84। आंसर निकालो इसका, आंसर क्या आ जाएगा फटाफट से, केवल और केवल मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करिए, आंसर बी आ रहा है, चेक कीजिए वापस से चेक कीजिए आंसर क्या आएगा। ट्वेल्व सिक्स जा, ट्वेल्व सेवन जा, ठीक है, सेवन वन जा सेवन, एट नाइन, हाँ सेवन वन जा सेवन, सेवन टू फोर्टीन, सेवन फोर ट्वेंटी एट, इकतालीस, फोर्टीन सिक्स जा एट फोर जीरो, कितना जाएगा 840 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आएगा, सबका गलत, ऑप्शन नंबर सी आएगा। मुझे समझ आ जाता है बट भूल जाता हूँ, भूलते क्यों है क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते। आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा, आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। ये बात समझे या नहीं समझे, यहां आपकी दो कंडीशन मिली सेम टू सेम वैसा था, अगर सीपी एसपी 72 है, लॉस 12 है, तो सीपी कितना आता 84 आया। पर सवाल में दे रखा है अगर सीपी इतना होगा तो एसपी कितना होगा, तो सीपी इतना नहीं, इतना है, कितने गुणा पे, इसके गुणा पे है, तो सेम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका आंसर आपका 84 आ जाएगा, 840 आ जाएगा। सवाल समझ में आया, सवाल समझ में आया या नहीं आया? मेरा 840 ही आया, अच्छी बात है, लेकिन पहले कुछ देर पहले 1020 आ रहा था सबका आंसर,
कुछ देर पहले सबका आंसर 1020 आ रहा था। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ सभी को? अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बात समझ में आ गई? तो ये था कुछ सवाल आपके प्रॉफिट एंड लॉस के जो कल हमारे रह गए थे, वो हमने कंटिन्यू करे। अब बात करते, देखना अभी जस्ट मैंने आपको समझाया था ये बात, अभी अभी मैंने जस्ट आपको समझाई थी। क्या समझाई थी? मैंने बात वापस देख लेते हैं एक बार कि क्या बात मैं समझा रही थी आपको। ध्यान से देखिएगा इन सब चीजों को, ठीक है, एकदम अच्छे से। मैंने आपको अभी कुछ देर पहले समझाई थी कि हमारे पास क्या खेल होता है। देखना, एक तो होता है सीपी, उसके कुछ प्रॉफिट या लॉस में होता है एसपी, मतलब इस पे खरीदा इस पे बेच दिया, ठीक है। इस पे कभी कभी हमें प्रॉफिट होता है और कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है, ठीक है। ये बात होगी आधे पोर्शन की। एक होता है हमारे पास एमआरपी, कि भाई प्राइस टैग क्या लगा हुआ है, एमआरपी क्या लगा हुआ है, ठीक है। उस एमआरपी पे हम कुछ देते डिस्काउंट, लिखा होता है कि एमआरपी पे 20% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट, वो यही होता है। एक होता है हम लोगों ने एमआरपी पे कुछ डिस्काउंट दिया, फिर क्या आया, डिस्काउंट देने के बाद वही एसपी निकल के आया जिस पे हमने बेचा डिस्काउंट देने के बाद। तो हमने आधी कहानी देखी कि सीपी एसपी और प्रॉफिट की क्या कहानी है। अब आधी कहानी अब देखेंगे एसपी एमआरपी, आधी कहानी क्या है। ये बात समझ में आई बात मैम? ये बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि आधी कहानी ये हमने पढ़ी कि एससीपी किस पे खरीदा, फिर किस पे बेचा, फिर उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये आधी कहानी हमने देखी। अब हम देखेंगे इसकी आधी कहानी, आधी कहानी बाकी रह गई है हम लोग को। क्लियर हुआ ये चीज? समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं अपने आगे की कहानी पे, शुरुआत करते हैं। तो अब शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट की, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के साथ अगर हम डिस्काउंट जोड़ेंगे तो सवाल कैसे बनेंगे, अब उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पहला सवाल ही दे देती हूँ आपको डिस्काउंट का। पहला सवाल आपका डिस्काउंट का ये रहा। जरा सवाल को पहले समझिएगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है सवाल को जवाब देने की। पहले आराम से सवाल को समझिएगा, फिर उसके बाद जवाब दीजिएगा आप लोग, ठीक है। पहला सवाल आपके सामने है, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए और फिर सवाल का जवाब दीजिए। अगर आप लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, बैक टू बैक आपकी क्लासेस होने वाली हैं। अभी 8 से 9 आपने रीजनिंग देखी, 9 से 10 अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं और 10 से 11 क्या देखेंगे, करंट अफेयर्स देखेंगे। तो कहीं जाना नहीं है अभी आपको, रुकना है बहुत देर। सवाल देखिए अपना, फटाफट से सवाल देखिए, बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी हो सके। शेयर करते जाइए भाई, आप सभी लोग मिलके शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिए और बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। अच्छे से पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे पर सॉलिड पढ़ेंगे हम लोग। सवाल देखते हैं हम लोग, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु के निश्चित मूल्य पर 28 क्या है, एक वस्तु के निश्चित मूल्य पर 28% की छूट देता है। अब देखो, अभी तक हम क्या लिखते थे कि 100 इधर और 128 इधर, लिखते ऐसे थे, अब हम ऐसे लिखेंगे। अब क्या है, छूट की बात हो रही है। छूट किस पे मिलती है, एमआरपी पे। छूट किस पे मिलती है, एमआरपी मिलती है। अगर 100 रुपए लिखा हुआ है, 28 की छूट दी, 100 रुपए लिखा हुआ है, 100 लिखा है और कितने छूट दिए, 28 की छूट दी है। तो कितना हो गया आपका, 62 रुपीज का सामान था। कितने का, 62 रुपीज का सामान को बेच दिया, 28 की छूट के साथ 62 में सामान को बेच दिया। क्लियर हुआ, ठीक है। अब क्या लिखा हुआ है, फिर भी उसे बेचने के बावजूद 28 के डिस्काउंट के बावजूद उसे प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 20% का। बेटा दुर्गेश जी, पहले अभी तक पढ़ लीजिए, कल की बात कल करेंगे ना।
अब देखना प्रॉफिट भी हो रहा है उसको 20 का। 100 रुपए की चीज मानी 120 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 20 का प्रॉफिट हुआ, 120 रुपए उसके पॉकेट में है। कितना हुआ? 2 5 10, 2 6 12, 2 3 6, 2 1 2, 2 5 10। अब देखिए ये दोनों ही क्या है? एसपी है। दोनों ही क्या है? ये एसपी है, बराबर होने चाहिए थे। तो यहाँ 6, यहाँ 31, यहाँ भी 31 और यहाँ भी 6। अब पूछना क्या है देखिए, व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या है इफ ही गेन्स 30.80 ऑन वन साइड। अब देखिएगा 31 5 115 115 तो इधर आ गया, 5 6 6 18 130 इधर आ गया, ठीक है। अब पूछा हमसे क्या है, अच्छा इधर 72 होगा, 72 और 28, 8 9 10, 7, हाँ 72 होगा, 72 होगा। वापस से काटते हैं, एक बार वापस से करते हैं इसको, 100 का 120 हो गया, ठीक है इसको वापस लिखते हैं, ठीक कटा, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 16, 25, 18 और 6 इंटू का 18 इधर किया, ठीक है इंटू का 6 इधर किया, इंटू का 18 इधर, इंटू का 6 इधर। क्लियर हो सभी को? मेरी मत सुनो, क्लियर हुआ? इतनी बात समझ में आई? ठीक है अब क्या लिखा हुआ है सवाल में देखते हैं। अभी हम लोग सवाल में लिखा हुआ है अगर उसे प्रॉफिट जो हुआ है वो 30.80 का हुआ है, कितने का हुआ है? 30.80 का हुआ है। अब देखो यहां पे माइनस करो, कितना हुआ 98, तो कितने का हो रहा है? यहां 8 का हो रहा है, पर बोल रहा है 8 का प्रॉफिट नहीं, कितने का है? 30.80 का प्रॉफिट है। कितने गुणा पे है? 30.80 अपॉन के 8 के गुणा पे है। अब पूछा क्या है हमसे? पूछा है सीपी, तो सीपी के लिए क्या करेंगे? 90 इंटू का 30.80 अपॉन का 8। अब केवल सॉल्व करना है, अब क्या करना है? केवल सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 24। क्लियर हुआ सभी को? मैम ये इंटू कैसे हो रहा है? एक बार फिर से देखते हैं पूरे को, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जा रही है। देखो वापस देखते हैं, वापस देखिए एक बार सवाल को, फिर से देखते हैं, छोड़ो उसको, वापस देखिए क्या है। मुझे प्रॉफिट एमआरपी मेरा 100 रुपए था, इस पे मुझे डिस्काउंट हुआ एसपी, कितने का हुआ? 28 रुपीज का हुआ, 28 का 72 रुपीज इधर आ गया, ठीक है। अब मुझे प्रॉफिट हुआ, 100 रुपए का था, प्रॉफिट हुआ मुझे 20 रुपए का, तो 120 रुपए इधर आ गया, ठीक है। 2 5 10, 2 6 12, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 2, 2 8 16, और यहाँ पे हो गया आपका 25। यहाँ 18 है, यहाँ 6 है, बराबर होने चाहिए थे। यहाँ 8 6 का मल्टीप्लाई किया, यहाँ 18 का किया, यहाँ 18 हुआ है, इधर भी 18 का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर आपका 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 18 5 90 हो गया, 18 6 40, 108 रुपए हो गया, ठीक है। डिफरेंस कितने का है अब देख लीजिए, 108 और 90 कितने का हो गया? 18 का डिफरेंस हो गया। हमसे बोला है डिफरेंस 18 का नहीं, कितने का है ये डिफरेंस? 18 का नहीं, कितने का है? 30.80 का डिफरेंस है, मतलब कितने गुणा पे है? 30.80 अपॉन का 18 के मल्टीप्लाई पे है। तो इसमें भी 90 में भी हम इतने का ही मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया? 18 5 जा, तो 5 into 30.80 मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? क्लियर हुआ सभी को? कैसे होगा ये सवाल आपका, फटाफट से बता दीजिए ये सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ।
फटाफट से बता दीजिए ये सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर 154 आ जाएगा बिना कोई दिक्कत के। क्लियर हुआ सभी को, सवाल समझ में आया, पहला सवाल था ये। ठीक है अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बताएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, बताएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कोई ट्रिक नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था इस सवाल में, ना तो कोई ट्रिक है ना ही कुछ और है, 154 आपका सही आंसर है। एमआरपी पे डिस्काउंट होता है तो कुछ वैल्यू कम होती है, मतलब डिस्काउंट हुआ हमारे पास वैल्यू कम हुई, 100 की चीज को 72 में बेचा, जब प्रॉफिट होता है तो वैल्यू बढ़ती है, 100 की चीज को 120 में बेचता। यहां मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया, इसको बराबर करने के लिए, ये भी सीपी है ये भी सीपी है सेम चीज का, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आज ये ढक्कन है वो 5 रुपए का है और आधे घंटे के बाद ये 7 रुपए का हो जाएगा, नहीं, ये ढक्कन की कीमत अगर 5 रुपए है तो थोड़ी देर के बाद भी ये 5 रुपए ही होगी। क्लियर हो गया, अगला सवाल देखिए बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, अगला सवाल देखिए बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से। शेयर सब्सक्राइब और लाइक करते हुए भेजिएगा भाई, अगर आप लोग न्यू आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फटाफट से शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लाइक का बटन दबा दीजिएगा फटाफट से। बेटा इससे भी लेंदी सवाल होते हैं, ये तो फिर भी आपका आसान है, इससे शॉर्ट बनेगा ही नहीं, आप ट्राई कर लीजिए अगर आपसे बन रहा है तो। ठीक है अगला सवाल देखिए, सीमा को इन्हें एक मोबाइल खरीदा उस पर उसे 18.5% की छूट मिली, अगर 24% की छूट मिली होती तो वह अतिरिक्त 1650 रुपए बचा सकती थी, उसने मोबाइल के लिए कितने भुगतान किया, ये आपको बताना है। बताएं अगला सवाल, सवाल आसान है, पहले क्या हुआ 18.5% की उसको छूट मिली, 18.5 का मतलब क्या हुआ 5 2 10 नहीं 5 15 16 17 18 7 35 5 2 10 ये हो गया, मतलब 200 रुपए की चीज पे, 200 की चीज थी, 37 को डिस्काउंट मिला तो उसने 163 में खरीदी वो चीज। ठीक है 200 की चीज को 163 में खरीदा, ठीक है दूसरे में क्या हुआ सर 24% का अगर डिस्काउंट मिलता तो, मतलब 100 की चीज को 24 का डिस्काउंट मिलता तो कितना रुपीस में होता 76 रुपीस का। अब मोबाइल सेम है, यहां 200 है यहां 100 है, बराबर करेंगे मल्टीप्लाई किया तो कैसे हो जाएगा 163 200 और 2 6 12 14 15 152। अब देखो सवाल में क्या दे रखा था, पहले उसे इतना का मिलना था 18.5 का, अगर उसे 24 का मिला होता तो उसे कम पैसे देने पड़ते, कितने कम 1 और 1 11 रुपए कम देने पड़ते, लेकिन क्वेश्चन में क्या है 11 रुपए कम नहीं है, कितने रुपए कम है 1650 1650, कितने मल्टीप्लाई में 150 के मल्टीप्लाई पे है। अब क्या करेंगे हम लोग, तो हाउ मच डिड ही पे फॉर मोबाइल, मोबाइल के लिए उसने कितने पैसे दिए हैं, कितने दिए हैं मोबाइल के लिए उसने कितने पैसे दिए हैं, 152 इंटू का आपका हो जाएगा 150, मल्टीप्लाई कीजिए आंसर निकालिए। मैम मुझे मैथ नहीं आती, मैं इसलिए क्लास नहीं लेता, अगर आप क्लास नहीं लोगे तो नुकसान आपका ही है, मैथ्स आपको सीखनी पड़ेगी, हर एग्जाम में मैथ्स आती है, मैथ्स तो सीखनी ही पड़ेगी। बताएं भाई सवाल समझ में आया या नहीं आया, पहले बताइए फटाफट से सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए कि सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से समझ में आया सवाल आपको, सवाल क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट से कमेंट कर दीजिए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, इससे कितना आंसर आएगा आपका 228000 इस टाइप से आंसर आएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए
क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए वापिस से, वापिस देखते सवाल को। सवाल में क्या बोला हुआ है, एक बार उसे 18.5 की छूट मिली है और एक बार उसे 24 की छूट मिली है। अब देखो क्या बोल रहा है, अगर उसे 18.5 की छूट मिली होती तो उसका जो सामान 200 का था वो 163 में आता। अगर उसे 24 की छूट मिलती जो जो सामान 100 रुपए का था, जो सामान 100 रुपए का था वो 76 में आता। सामान सेम है, सामान सेम है तो मैंने क्या किया, जो एमआरपी भी सेम कर दी। ये बात तो सेम साफ है ना, अगर सामान सेम है वही बात है। ये पेन है, अगर ये पेन 10 रुपए का आता है तो कोई भी खरीदे 10 रुपए में ही मिलेगा, तो इसलिए मैंने एमआरपी सेम कर दी, मल्टीप्लाई बाय 22 कर दिया। तो सेम चीज में कंपेयर करना आसान होता है, 200 एमआरपी है दोनों की, एक बार 163 रुपीज लग रहे हैं इसके, एक बार 152 लग रहे हैं, दोनों में डिफरेंस कितने 11 रुपए का है। पर सवाल में बोला गया है डिफरेंस 11 का नहीं है, कितने का है, 1650 का डिफरेंस है, तो आपका आंसर निकल गया है। क्लियर हुआ ये सवाल, समझ में आया सबको, क्लियर हुआ। अगला सवाल देखते हैं, देखो सवाल का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया मैंने और सभी लोग भाग गए, ये होता है रियलिटी। आपको चाहिए हलवा हलवा सवाल, जो बोलते हो चिरकुट सवाल, आपको अगर लेवल बढ़ा दिया जाए तो आप तुरंत भाग जाते हैं, और लेवल अगर नीचे रखें तो बोलते चिरकुट सवाल है। आप खुद डिसाइड कीजिए चिरकुट सवाल चाहिए या लेवल के सवाल चाहिए। ये जबकि ये सवाल आपके आसान सवालों में से हैं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, इन सवालों में, इन सवालों में तो आपका कुछ भी नहीं है, फिर भी। क्लियर हुआ आप सभी को? अगला सवाल देखिए, बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। अब ध्यान समझना, बिस्कुट के एक पैकेट के मूल्य पर 24 रुपए का है, बिस्कुट का एक पैकेट है, एक पैकेट है बिस्किट का, वन पैकेट कितने रुपए का है, 24 रुपीस का है वो। अब देखिएगा, जबकि इसी तरह से चार पैकेट का मूल 84 रुपीस है। अब देखो एक पैकेट अगर 24 का है तो चार पैकेट कितने होंगे, 96 रुपीस में होंगे, ठीक है। पर हमसे बोला गया चार पैकेट इतने के नहीं, कितने के हैं, 84 रुपीस के हैं। देखो ध्यान सुनना, ये होना चाहिए था, ये क्या हो गया एमआरपी, ऐसा होना चाहिए था, पर हुआ कितना, कितने का दिए उसने, इतने का, ये आपका हो गया एसपी। डिस्काउंट निकालना है, माइनस कीजिए 2 और 1, 12 रुपए का डिस्काउंट मिला किस पे, 96 रुपीस पे इनटू का 100। बात समझ में आई, 12 8 16 कितना हो गया, 12.5%, कितने का डिस्काउंट मिला, 12.5% का आपको डिस्काउंट मिला। बेटा अभी मैं टेस्ट प्रोवाइड नहीं करवाती, पर कोशिश जारी है कि नेक्स्ट मंथ से, नेक्स्ट मंथ आपको क्या टेस्ट प्रोवाइड करवा सकूं, कोशिश जारी है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं बोल सकती मैं, ठीक है। बात समझ में आई आप सभी को, 12.5% इसका जवाब हो जाएगा। क्लियर हुआ सवाल या नहीं हुआ, फटाफट से बताइए, सवाल समझ में आया या ऊपर से गया, सवाल समझ में आया या गया ऊपर से। अब देखना, अब देखना ये सवाल और भी मजेदार है, ये सवाल जाएगा बिल्कुल बाउंस, देखना सवाल में कुछ भी नहीं है फिर भी जाएगा बाउंस आपके। अगला सवाल बताइए, सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, अगला सवाल देखिए बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, जरा बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फटाफट से लाइक का बटन दबा दीजिएगा। अच्छा हम भगौड़े नहीं है, अंतिम सांस तक फील्ड में डटे रहेंगे, अच्छी बात है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए और बताइए इस सवाल का जवाब क्या होगा। देखिए सवाल, एक दुकानदार अंतिम मूल्य पर मतलब एमआरपी पर 45% की छूट देता है और इस प्रकार वह क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, याद कीजिए उसने कितना परसेंट अधिक मूल्य अंकित किया था। सवाल पढ़िए बताइए, सवाल पढ़िए बताइए, बहुत आसान सवाल है ये भी, बहुत आसान है, देखते हैं कितने बच्चे पहले इसका जवाब देंगे, फटाफट से
जो भी बच्चे नए हैं आज पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, फटाफट से बताइए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से। 20% आ रहा है किसी का आंसर, बेटा 20 तो ऑप्शन में भी नहीं है, 80 आ रहा है। अच्छा 80 तो ऑप्शन में है, चलो और बताएं भाई, किसी का भी आंसर नहीं है, क्या बात है, सारे लोग लगता है बोल्ड आउट हो गए। सवाल देखते हैं, सवाल में कैसे रखा है, बिल्कुल मिस्टर प्रवीण का आंसर सही आया है, बिल्कुल सही है। क्या है 45 का डिस्काउंट, एमआरपी अगर 100 होगी तो डिस्काउंट मिला कितने का, 45 का, तो 55 हो गया आपका एसपी। ये एमआरपी है और ये आपका एसपी है, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, इस प्रकार वे क्रय मूल्य पर वस्तु को बेचता है, क्या है, ऐसा करने से क्या हुआ, ये जो हो गया, इस प्रकार से वो किसे बेचता है, ये क्या हो गया उसका सीपी ही हो गया। उसने मुंह से बोला कि डिस्काउंट देने पर क्या हुआ, मैंने क्या काम किया, जो उसका सीपी था उसी पे उस सामान को बेच दिया, उसी पे उस सामान को बेच दिया। अब सवाल में पूछा क्या है, सीपी से कितना ऊपर, सीपी से कितना ऊपर उसने तो एमआरपी रखा हुआ था, तो को यहां से आ गया कितना, 45 अपॉन का 55 इनटू का 100, 59 जा 51 जा 500/11 आपका आंसर हो गया, तो मतलब कितना हो जाएगा आपका 81.81% आपका सही आंसर है। क्लियर हुआ आप सभी को, सवाल से क्लियर हुआ, सवाल क्लियर होने के साथ तो समझ में भी आया ना, सवाल क्लियर तो सही है, समझ में आया कैसे हुआ आपको, सवाल समझ में आया या फिर बाउंस, बताइए बाउंस तो नहीं है भाई किसी का भी सवाल, ये लीजिए आपका अगला सवाल, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से, शेयर सब्सक्राइब लाइक कीजिए भाई। मैम अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं पहली बार, तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। अगला सवाल आपके सामने है, बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से, इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए, तुक्के से होगा मैम, अच्छा तुक्के से नहीं होगा, आप लोग क्या है 45 इंटू का 100 अपॉन का 55 था, फिर क्या 59 जा 5 बन जा 900 अपॉन का 511, अब सही बेटा कैलकुलेशन है, केवल आपको कंसेप्ट मैं बिल्कुल सही सही बताती हूँ, केवल क्या रहता है आपका कैलकुलेशन रहती है, कैलकुलेशन में तो आधार आपको ही देना पड़ेगा ना। अगला सवाल देखिए, बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा, किसी का 36.66 आ रहा है ऑप्शन में, नहीं है, किसी का क्या आ रहा है भाई बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा। सवाल देखें, एक शॉपकीपर दुकानदार से, नहीं, एक दुकानदार ने 22% की छूट दी एक वस्तु पर, 22 की मतलब 100 रुपए की चीज को 72 में बेचा, 22 की छूट दे दी उसने, ठीक है दे दी उसे, एक दुकानदार ने 22 की छूट दी एक वस्तु खरीदने खरीदकर उसे अंकित मूल्य से 43 अधिक दाम पे बेच दिया, एक दुकानदार ने उसे खरीदा इसमें 72 रुपीज में डिस्काउंट पे खरीदा और बेचा किसने पे, इससे 43% ज्यादा पे बेचा। अब पूछा क्या है, उसे लाभ कितने का हुआ, लाभ कैसे निकालेंगे, ये यहां से यहां निकालेंगे लाभ, यहां से यहां पे निकाला जाएगा लाभ आपका 71 रुपीस का लाभ हो रहा है, किस पे 72 पे इंटू का 100, 71 का लाभ हो रहा है 143 है सही है 14 71 भी सही है 78 होगा 22 का लाभ ओके 78 अब सही है 78 8, 9, 10, 11, 12, 13, 5, 6, 65, अब सही है
65 अपॉन का 78। अब निकाले भाई, इसको कैलकुलेट कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर कितना आएगा आप देखिए फटाफट से, आंसर मैच कीजिए, 83.33 आपका सही आंसर है। सवाल समझ में आया सभी को, क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट से बताइए, सवाल समझ में आया नहीं आया फटाफट से बताइए, जल्दी से शेयर करते रहिएगा भाई, अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया है तुरंत शेयर कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा फटाफट से। अगला सवाल देखते हैं अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने आ रहा है, ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, अगला अच्छा इजी है, कोई बात नहीं इजी है तो कोई बात नहीं, आसान सवाल भी आते हैं हाई भी आते हैं, हर टाइप का सवाल आता है, सारे टफ टफ दूंगी तो यहाँ पे एक भी बच्चा नहीं टिकेगा, एक भी बच्चा। इंक्रीज लेवल, अच्छा जी कोई बात नहीं मान लेते हैं। सवाल देखिए, एक व्यापारी चिन्हित मूल्य पर 8% की छूट देता है, मतलब 100 रुपए की चीज पे 8 की छूट दी, 52.92 में बेचा, ठीक है, फिर क्या दे रखा है, यदि विक्रय मूल 667 है, हमसे बोला गया विक्रय मूल 92 नहीं है 667 है, कितने गुणा पे है 667 अपॉन का 92, तो पूछा क्या है तो डिस्काउंट बताइए, डिस्काउंट कितने का होगा, तो 8 × 667 अपॉन का 92, 4 × 8 4 × 8 4 × 3 12 23, अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप जल्दी से, मल्टीप्लाई कीजिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29 into 2 = 36 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 58 आपका बिल्कुल सही आंसर है, क्लियर हुआ, 47 नहीं आएगा 58 आपका एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। सवाल समझ में आया सभी को, अगला सवाल देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अगला सवाल आ रहा है आपके सामने, जब बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा जल्दी से, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा, अगला सवाल आपके सामने ये रहा, बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, बताइएगा इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा फटाफट से, शेयर करते जाइए भाई, सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करते जाइएगा भाई, ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, 882 रुपीस है, यदि यह इस पर छूट 16% की है, ज्ञात कीजिए इसका विक्रय मूल्य कितना होगा यदि 28% की छूट दी जाए। अभी सवाल ऐसा मैं करवा चुकी हूं आपको, आई थिंक ये सवाल आपको आ जाएगा, आई थिंक आपको ये सवाल आ जाएगा, सवाल को कोशिश कीजिए सॉल्व करने की फटाफट से, फटाफट से भाई कोशिश कीजिए, सेम टू सेम सवाल मैंने बताया है, क्या है 100 रुपए का सवाल, 100 रुपए का सामान था, 16 की छूट दी तो 84 में बेचा, ठीक है, तो लेकिन बोला गया 84 में नहीं, कितने पे 882 रुपीस में बेचा, कितने गुणा पे हो गया 882 अपॉन का 84, तो सेम इस पे भी ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 882 अपॉन का 84, ठीक है, सॉल्व करेंगे 1050 रुपए आएगा, ये इसका एमआरपी हो गया। अगर छूट कितने की दी जाए 28 की, मतलब 1050 इस पे कितने की छूट दी जाए 78 की छूट दी जाए, मतलब नहीं 28 की छूट दी जाए तो 72 पे इसको बेचा जाएगा इनटू का 100, इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आपके सामने होगा, 2 × 5 = 10 5 × 10 = 5 × 5 = 2 3 = 6 2 = 12 तो 21 × 36 आपका आंसर हो जाएगा, 6 × 6 कैलकुलेट कीजिए फटाफट से, 756 आपका सही आंसर है, 756 आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया सभी को, हजार मानना पड़ेगा इसमें, बेटा किसने बोला,
किसने बोला 1000 मानना पड़ेगा? नहीं, 100 रुपए की चीज को कितना का डिस्काउंट था? 16 का डिस्काउंट था, इतने ही बेचा, पर इतने पे नहीं, इतने ही बेचा है, इतने गुणा पे। इसमें भी उसी का गुणा कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए, और निकालने की जरूरत भी नहीं, अगर आप मल्टीप्लाई में रखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब हमसे बोला कि अगर इस पे, इस एमआरपी पे 28 नहीं, कितने की छूट दी गई? अगर 28 की छूट दी जाए तो आंसर कितना आएगा? तो आपका आंसर ये आ जाएगा 756, आपका सही आंसर है। क्लियर हुआ सभी को? फटाफट से बता दीजिए, ये कुछ सवाल थे आपके डिस्काउंट के। क्लियर हुआ? तो ये मत सोचिएगा प्रॉफिट एंड लॉस एक अलग टॉपिक है, डिस्काउंट एक अलग टॉपिक है, दोनों सेम टू सेम टॉपिक है। सिर्फ आधा शुरुआत का पोर्शन कल पढ़े थे, पीछे का पोर्शन आज पढ़े हैं। अभी भी कुछ चीजें रह गई हैं जो मैं आपको कल कराऊंगी, अभी भी कुछ चीजें रह गई है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो कल हम वापस से प्रॉफिट एंड लॉस को ही देखेंगे, कुछ मिक्स सवाल देखेंगे, ठीक है। तो क्लास को ऑफ करते हैं, तो क्लास को ऑफ करते हैं। अगर आप लोग न्यू थे, फर्स्ट टाइम देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। और अभी आपको कहीं जाना नहीं है, रजाएं बैठे रहिए, कान में ईयरफोन लगा के बैठे रहिए, और करंट अफेयर्स की क्लास है अभी, कितने बजे? 10 बजे शुरुआत हो चुकी है करंट अफेयर्स की, सभी को करंट अफेयर देखना है अभी 10 बजे, कोई कहीं जाएगा नहीं, कोई कहीं सोएगा नहीं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं वापस से मॉर्निंग में, आप कहीं जाएंगे नहीं, करंट अफेयर्स देखेंगे अभी 10 बजे। बाय विजय सर। ओके, बाय, टेक केयर, गुड नाइट, हैप्पी महाशिवरात्रि आपको।